गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बेटा, आज मैं आप लोगों को समान अर्थ के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर एक बार समझा रही हूँ। एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम हो सकते हैं। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को समान अर्थ कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ चित्र लगाया है, जैसे नंबर 1, बादल। बादल का समान अर्थ होता है मेघ। चलिए आप मेरे साथ देखिए, बादल का समान अर्थ मेघ। मे, ए की मात्रा में, घ, मेघ। नंबर 2, देखिए बेटा, है यह चित्र किस चीज़ का चित्र है? पर्वत का। पर्वत का समान अर्थ क्या होता है? पहाड़। पौ, हौ में आ की मात्रा हा, ड़ पहाड़। नंबर 3, यहाँ देखिए किस चीज़ का चित्र है? धरती का। धरती का समान अर्थ धरा। धौ, रौ में आ की मात्रा, धरा। नंबर 4, इस चित्र में पेड़ पर कौन बैठा बेटा? चिड़िया। चिड़िया का समान अर्थ खग। खो, गो, खग। नंबर 5, यहाँ एक चित्र है, बताइए किस चीज का चित्र है? ये पुस्तक है। पुस्तक का समान अर्थ क्या होगा? किताब, पोथी, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे किताब। क में छोटी की मात्रा की, तो में आ की मात्रा ता, ब किताब। लिख लिया सबने? चलिए नंबर 6 में आइए, यहाँ देखिए ये किस चीज का चित्र है? पेड़ का। पेड़ का समान अर्थ वृक्ष। वो में री की मात्रा लगाएंगे, वृक्ष, क्षत्रिय वाला छ, वृक्ष। नंबर 7 में देखिए, आप समझ रहे होंगे किस चीज का चित्र है ये? क्या है बेटा? आँख। आँख का समान अर्थ आप नेत्र भी लिख सकते हैं, नयन भी लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे हम लोग नेत्र। 9 में एक की मात्रा ने, त्र, नेत्र। लिखा सबने? चलिए नंबर 8 में आइए, ये देखिए आकाश में क्या दिख रहा है? चांद, इसे हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं। यहाँ मैंने चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा का समान अर्थ क्या लिखेंगे? चांद। च में आ की मात्रा ऊपर, चंद्र बिंदु चांद, दो चांद। नंबर 9, देखिए एक राजसी पोशाक पहने हुए, सर पे मुकुट लगा हुआ है, कौन है बेटा बताइए? राजा। राजा को हम लोग नृप कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नृप का समान अर्थ राजा। रो में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, राजा। नंबर 10 देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बेटा? पानी दिख रहा है ना? चारों तरफ हरे हरे पौधे यानी पेड़ लगे हुए हैं, पानी है। पानी को हम लोग जल, नीर कह सकते हैं। यहाँ मैंने नीर लिखा है, तो नीर का समान अर्थ क्या लिखेंगे? जल। जो, लो, जल। ठीक है, चलिए मैं फिर एक बार बता रही हूँ। नंबर 1, बादल मेघ। नंबर 2, पर्वत पहाड़। नंबर 3, धरती धरा। नंबर 4, चिड़िया खग। नंबर 5, पुस्तक किताब। नंबर 6, पेड़
वृक्ष, नंबर 7 आँख नेत्र, नंबर 8 चंद्रमा चांद, नंबर 9 नृप राजा, नंबर 10 नीर जल। आप लोग समझ गए होंगे बेटा समान अर्थ है। यहाँ मैंने चित्र बना दिया था ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। बेटा आप लोग इसे हिंदी की क्लास वर्क कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखकर याद करेंगे, ठीक है बेटा। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।